नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार महा एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आपको एक गंधक बताने वाला हूँ, तो आज का वीडियो इसी से रिलेटेड है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो शुरू करते हैं। माफ़ कीजिए, काफ़ी दिन हो गए आप लोग वेट कर रहे थे वीडियो का, तो मैं काफ़ी बिजी था तो इसलिए वीडियो लेट डाल रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे को माफ़ करेंगे। तो चलिए आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो शुरू करते हैं। तो हमें एक ऐसी मटकी की ज़रूरत पड़ेगी जो अच्छी हो, मजबूत हो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एक मटकी ली है और ऊपर से इसको ये ऐसा एक मिट्टी का ही ढकना रहेगा। बाद में इसको हमें कपड़ मिट्टी करना होती है। ये कास्टिक पत्री है यानी कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी चाहिए हमें, ठीक है। ये आगे देखेंगे आप लोग मैं कितना यूज़ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो आप वीडियो देखिए ध्यान से। और ये गंधक है, ये गंधक लगभग 300 ग्राम के आसपास ये गंधक है। तो गंधक को पहले पाउडर कर लेंगे। देखिए काफ़ी अच्छी बेहतरीन गंधक है, ये गंधक आमला सार जिसे कहते हैं हम लोग। इसमें थोड़ा कचरा उचरा होता है तो उसे हम फेंक देंगे और इसको बारीक पीस लेंगे खरल की सहायता से, या तो मिक्सी में भी इसको डायरेक्टली आप पीस सकते हैं। फिलहाल मैं खरल में पीस के इसमें ये पेनिसिलिन 4 लाख वाला इंजेक्शन होता है ना, वो इसमें डाल दूँगा। 2 इंजेक्शन हम इसमें डाल देंगे। ये लगभग 40 रुपये के आसपास आ जाता है, तो पेनिसिलिन इंजेक्शन भी हमें इसमें लगेगा, ठीक है। मेरे पास फ़िलहाल 4 है तो हम 2 इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए इसको मैं पाउडर कर लेता हूँ फटाफट। ज़्यादा पाउडर नहीं किया है मैंने। अब इसमें मैं ये पेनिसिलिन डाल के इसको और थोड़ा खरल करूँगा ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर और थोड़ा खरल करके दूसरी वाली बोतल डाल देंगे इसमें, ठीक है। ये बोतल काम में आ सकती है, बाजू में रख देंगे। फिर इसको खरल करके पाउडर कर लेंगे और ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। फिर से दूसरी बोतल डाल देंगे, दूसरी बोतल भी इसमें हम डाल दे रहे हैं। फिर दूसरी बोतल डाल के इसको फिर से खरल करेंगे अच्छे से, ठीक है। मैं इसको खरल करके आगे आपको क्रिया बताता हूँ। फिर हम नीचे कास्टिक सोडा जो है, कास्टिक पत्री, वो नीचे बिछाएंगे। 300 ग्राम गंधक है तो लगभग 1 kg हमें कास्टिक सोडा चाहिए, तो मैंने 1 kg का पैकेट लिया है। जैसे कि आपने देखा नीचे मैंने सतह पर मटकी के कास्टिक सोडा बिछाया है और उसके ऊपर गंधक की एक लेयर रहेगी और दूसरी लेयर फिर से कास्टिक की रहेगी। ऐसे लेयर बाय लेयर इसको मैं बिछाते जाऊंगा। तो एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। अब इसके पार्ट भी बन सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम समय में आपको ये पूरी जानकारी दी जाए। फिर से मैं इसके ऊपर कास्टिक डालूँगा और इसको गंधक को कास्टिक से अच्छे से ढक लूँगा। फिर से इसके ऊपर हम गंधक की लेयर डालेंगे एक, ऐसे हमें इसको लेयर बाय लेयर बैठा लेना है, ठीक है। आप समझदार है, मैंने इतना बताया तो आप समझ गए होंगे कि लेयर बाय लेयर कैसे बैठाते हैं इसको, ठीक है। गंधक बैठा के फिर से कास्टिक पत्री की एक लेयर ऊपर आएंगी, ऐसे लेयर बाय लेयर पूरी ये मटेरियल रहेगा। और ऊपर से हमें मीठा सोडा जो होता है खाने वाला, वो इसके ऊपर डाल देना है और मीठा सोडे को अच्छे से दबा के पैक कर देना है। और इस तरह से इसको कपड़ मिट्टी करेंगे, ऊपर ढकना देके अच्छे से कपड़ मिट्टी कर लूँगा मैं। अब आपको कपड़ मिट्टी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने कपड़ मिट्टी बना ली है। आप कपड़ मिट्टी का टाइम बचा लेते हैं, सेव कर लेते हैं ताकि आपका भी समय बचा रहे। तो मैंने यहाँ पर कपड़ मिट्टी करके धूप में सूखने के लिए रखी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी सूख चुकी है। अब हम उपले ले लेंगे, हमें
एक टोकरा कांटे के ऊपर रखा है स्केल के ऊपर, इसको जीरो कर दिया है। उपले हमें जंगली उपले चाहिए, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, मैंने एक टोकरे में उपले ले लिए है। ये 6 ग्राम उपले है, छः किलो उपले है। और फिर से हमें टोटली 15 ग्राम चाहिए, 15 किलो चाहिए। इस सब ग्राम का ये होता है ना, तो ग्राम ही आ गया मेरे मुंह में। अभी ये मैंने 6 किलो उपले यहाँ पे गिन लिए, बाद में ये दूसरे वाले 4 किलो आपको दिखा देता हूँ। ये टोटली 6 और 4 10 किलो हो गए हैं, ठीक है। ये टोटली 10 किलो उपले हो गए। और अब हम बाकी 5 किलो जो है उपलों का चूरा जो होता है वो ले लेंगे, क्योंकि इसको भड़के की आग देनी है। इसमें जब हम वो चूरा डालेंगे ना, तो वो अच्छे से उसमें भट्टी की तरह वो सुलगता रहेगा, ज्वालामुखी की तरह, और गंधक इसमें अच्छे से पकती रहेगी, ठीक है। अब मैं आपको चूरा दिखा देता हूँ मैं कितना ले रहा हूँ। ये चूरा है उपलों का, मिट्टी की तरह आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये उपलों का चूरा है। तो इसको ले लेते हैं, ये 5 किलो ले लेना है। ये मिट्टी का आपके पास चूरा नहीं है या उपले भी नहीं है, तो भुस्सा आता है ना लकड़ियों का, जहाँ पे लकड़ी काटते हैं वहाँ पे वो मिल जाता है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। वो 10 ही किलो यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं। तो ये 5 किलो मैंने यहाँ पे ले लिया है, तो टोटली हमारा जो उपले का क्वांटिटी है वो 15 किलो हो गया है, ठीक है। अब एक बड़ा सा गड्ढा करके इसमें ये नीचे डाल देंगे, और ऊपर मटकी जमा के इसके ऊपर ये उपले सेट कर लेंगे। जंगली उपले की यही खासियत होती है, वो दिखने में कम दिखते हैं लेकिन उसकी जो हीट है वो काफ़ी होती है, काफ़ी देर तक वो जलते रहते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक गड्ढा करके इसमें ये जो उपलों का चूरा था उसमें ये 5 किलो जो उपलों का चूरा है इसमें डाल दिया है गड्ढे में। ऊपर ये मटकी गंधक वाली रख देंगे इसके ऊपर, चूरे को अच्छे से जमा लेंगे। रात का समय है, दिन में तो काफ़ी धूप रहती है, तो इसलिए काम करने में काफ़ी दिक्कत आती है। और काफ़ी दिन हो गए, माफ़ कीजिए, वीडियो नहीं डाल पाया मैं, ठीक है। अभी ये बाकी के जो उपले है जिसके आजू बाजू में सेट कर लेंगे अच्छे से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने पूरा मटकी को उपलों से ढक दिया है, और ये पूरी मटकी इसमें डूब चुकी है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल के इसको आग दे देंगे, भड़के की आग, ठीक है। तो तेल डालने से ये पटाख से भड़क जाएगा, इसे कहते हैं भड़की की आग। और ये सवेरे तक आग जो है वो ठंडी हो जाएगी, उम्मीद तो यही है कि ठंडी होनी चाहिए, क्योंकि ये आग रात भर जलती रहती है, उपले जल्दी ठंडे नहीं होते हैं। तो जब ये गंधक इसमें से निकलेगी तो कायम सन निकलेगी, ठीक है। ये देखिए काफ़ी अंगारे यहाँ पे शोले की तरह दिख रहा है, काफ़ी लावा सा दिख रहा है एकदम जंगली उपलों का। इसमें ये गंधक पक रही है, टेम्परेचर आप अंदाज़ा लगाइए कितना होगा, ये इतना टेम्परेचर सही किया जब ये गंधक बनेगी तो आप ही सोच लीजिए कैसी बनेगी, ठीक है। आगे सवेरे इसको जब हम देखें तो ये आग ठंडी तो हो चुकी है लेकिन मटकी अभी भी गर्म है, तो इसको मेरे को कपड़े से पकड़ना होगा। तो एक कपड़ा लेके इसको मैं निकाल लेता हूँ। मटकी, आई होप कि ये मटकी टूटी ना हो, ज़्यादातर कपड़ मिट्टी अच्छी नहीं होती तो फिर वो मटकी टूट जाती है, ब्रेक कर जाती है, पूरा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। फिर देखिए मटकी कैसे भी लीक नहीं है, अच्छे से मैंने कपड़ मिट्टी की थी। तो इस कपड़ मिट्टी को हटा के हम अंदर की चीज़ को देख लेंगे। तो यह देखिए गंधक और जो कास्टिक और जो मीठा सोडा था वो पूरा गल चुका है, और साथ ही साथ इसमें ये गंधक इसमें मिक्स हो गई है। अब इसको हमें मटकी को तोड़ना होगा, ये इतना पैर से तो नहीं निकलने वाली, मटकी तो तोड़नी ही होगी, फिर भी हम कोशिश करके देख लेते हैं एक बार। गंधक काफ़ी ठोस है, निकलती नहीं है, तो जितनी निकली उतनी बाद में तो देखेंगे, मटकी अगर बची तो अगले टाइम हमें काम में आएगी, लेकिन ज़्यादातर मटकी टूट ही जाती है। अभी इस गंधक को मैं मटकी से अलग कर लेता हूँ, देखिए टूट गई।
मटकी ज़्यादातर टूट जाती है, इसको तोड़ के ही निकलना पड़ता है। और ये देखिए गंधक जैसी की वैसी उसमें पूरा वजन में अपने ही हालत में होती है। कास्टिक और मीठा सोडा इसको जलने नहीं देते। ये देखिए कुछ कलर इसका चेंज हो गया, लाल हो गया है। हीट का टेम्परेचर का रहता है सब खेल, तो ज़्यादा आग अगर इसको हम मैंने 15 किलो की दी, अगर इसको और 10 किलो 5 किलो और एक्स्ट्रा उपले ले लेते थे तो ये पूरी लाल हो जाती थी, टोटली 20 किलो की आग हो जाती थी भी वो। लेकिन फिर भी ठीक है, टेम्परेचर काफ़ी मायने रखता है। अभी सबको गंधक को हम पाउडर कर लेंगे, पूरा पीस लेंगे इसको। इस गंधक को पीस के खरल में पाउडर करके इसको गर्म पानी में हमें डाल देना है। ये देखिए ये गंधक काफ़ी बेहतरीन बनी है। मैं आपको इसको आग लगा के दिखाता हूँ डायरेक्टली कि ये आग पकड़ती है कि नहीं। ये गंधक आग नहीं पकड़ती है बिल्कुल भी, तेल बन के चलती है। ये देखिए गंधक आग बिल्कुल भी नहीं पकड़ रही है और तेल बन रही है। जैसे इसको हीट कर रहे तो ये तेल बन रही है। ठीक है, तो ये चेक करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा एक छोटा सा इसमें से लेके आपको चेक करके दिखाया। काफ़ी बेहतरीन गंधक बनती है इसमें। आप लोग इससे कुछ काम ले सके तो ले लीजिए। चलिए मैं इसको फिर पाउडर करके आपको आगे का समझाता हूँ। काफ़ी लोग है कि गंधक ये बना तो लेते हैं लेकिन उनको ये कास्टिक और जो मीठा सोडा जो भी बनाते हैं लोग, पानी में जब डालते हैं इसको तो वो गंधक को अलग नहीं कर पाते हैं। गंधक उनकी लिक्विड में पानी में शामिल हो जाती है, फिर वो उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, वो पानी से गंधक को अलग नहीं कर पाते हैं। तो वीडियो पूरा देखिए, पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा। इसमें पानी गर्म हो रहा है, उबल रहा है, मतलब पानी काफ़ी गर्म हो चुका है। ये सीधा गर्म पानी हम इस प्लास्टिक के टब में गंधक जो डाली है हमने उसमें डाल दूंगा और जो गंधक और पूरा कास्टिक है वो पानी में शामिल हो जाएगा, एक जान हो जाएगा, आपको गंधक दिखेगी नहीं नीचे। इस क्रिया में मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है काफ़ी लोगों ने किया लेकिन उनका फेल हो गया। इसमें एक अपना दिमाग लगाना होता है, मेरे को भी जहाँ तक पता था मैंने अपना खुद का दिमाग लगाया, फिर मैंने इससे गंधक एक्सट्रैक्ट की। नहीं तो लोगों को इसमें कि गंधक अलग करना नहीं आता है, वो करते हैं यहाँ तक वो गंधक वहीं पर छूट जाती है, पानी से वो अलग नहीं कर पाते हैं। तो इसमें अब कुछ नहीं करना है, सिंपली इस बाल्टी में मैंने इसको अलग कर लिया है पानी में, अलग अलग भाग में इसको डिवाइड कर लेंगे छोटे मोटे बाल्टी में। एक छोटे बीकर में आपको मैं समझाता हूँ कि इसको कैसे अलग करना है। थोड़ा सा ये देखिए मैंने यहाँ पे, ये वही गंधक है जो पानी है, गंधक का गंधक नीचे बैठ चुकी है और ये जो कास्टिक का पानी है उसमें से गंधक को उसने छोड़ दिया है, नीचे बैठ चुकी है। अब ये कैसे करना है ये आप आगे देख सकते हैं। फिर से एक हम उसमें से गंधक और कास्टिक वाला पानी है, इसमें पूरी गंधक इसमें शामिल है। जैसे ही मैं इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉप डाल रहा हूँ तो ये गंधक जैसे कि आप देख पा रहे हैं इससे अलग हो रही है। जैसे जैसे हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो गंधक नीचे बैठ जाएगी। इससे क्या होगा, यहाँ पर आप सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे दूसरा यूज़ कर सकते हैं कोई अगर आपके दिमाग में है, जिससे कि हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारी गंधक जो है वो फंसी है कास्टिक में। अब कास्टिक को जब हम न्यूट्रलाइज करेंगे, यानी कास्टिक जब पूरा न्यूट्रल हो जाएगा तो गंधक को छोड़ देगा। यहाँ पे वही सिद्धांत मैंने दिमाग लगाया कि जब गंधक कास्टिक अगर न्यूट्रल हो जाएगा तो गंधक छूट जाएगी, तो इसलिए मैंने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला। तो सल्फ्यूरिक एसिड डालने से सल्फ्यूरिक एसिड और गंधक कास्टिक दोनों ही आपस में रिएक्शन करके वो न्यूट्रल हो जाते हैं।
तो ये गंधक 2-4 घंटों में पूरी नीचे बैठ जाती है। ऐसी करके आपको टोटल जो गंधक है वो पानी से एक्सट्रैक्ट कर लेनी है। ये इसकी चाबी रहती है, बेसिकली चाबी रखते हैं लोग, ये जो भी एक्सपेरिमेंट बताते हैं लोग, ये नहीं बताते आपको कि ऐसे डालना है वैसे करना है कुछ, वो उनका एक मकसद होता है कि भाई जो समझदार है वो अपना दिमाग तो लगाएगा ही। सेफ्टी परत रहती है बेसिकली एक इसके ऊपर। तो जो भी एक्सपेरिमेंट करते हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट गलत नहीं होता है, बस उसमें कुछ अपना भी योगदान दिया करो ताकि वो अगला एक जो एक्सपेरिमेंट है जो कर रहे हो आप वो सक्सेस हो जाए और अच्छा रिजल्ट उसमें से आपको देखने को मिले। अब मैंने जितना भी पानी डिवाइड किया था गंधक वाला और कास्टिक वाला, उसमें सबको कास्टिक में और ये जो गंधक का पानी है उसमें सब में गंधक का तेज़ाब डाल के उसको न्यूट्रल कर लिया है और ये गंधक पूरी नीचे बैठ चुकी है और पानी का कलर भी चेंज हो गया है, यानी कि पूरा एकदम फ्री हो गया है एकदम पानी के जैसा। अभी इसको मैं कपड़े की सहायता से छान लूँगा और नीचे बाल्टी में भी गंधक देखने को मिलेगी। ये काम करते समय हाथ में हैंड ग्लोव होना ज़रूरी है, नहीं तो हाथ में छाले वगैरह आ सकते हैं। ये थोड़ा सेफ्टी का ख्याल रखिए। ठीक है, देखिए जैसे कि बाल्टी में आप देख पा रहे हैं ये गंधक नीचे पूरी बैठ चुकी है और ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया। अभी काफ़ी गंधक हमारी निकालने की बाकी है, तो 100 ग्राम हमने गंधक इसमें से एक्सट्रैक्ट कर ली, बाकी की मैं बाद में कर लूँगा। अभी काफ़ी सारा पानी है जो बचा हुआ है, इसको काफ़ी समय लगता है एक्सट्रैक्ट करने में। ये गंधक भी न्यूट्रल होने में, पानी न्यूट्रल होने में टाइम लगता है, तो जैसे जैसे न्यूट्रल हो जाती है तो मैं इसको अलग कर रहा हूँ। जो कि मुझे काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो भी बनाना था, मैंने आपको बताया था कि वीडियो बनाने वाला हूँ गंधक के ऊपर, सोचा चलिए बता देते हैं आज। और ये पूरी गंधक को अच्छे से धो लेना है गर्म पानी से, 2-4 गर्म पानी से इसको उबाल देके अच्छे से धो लेना है ताकि इसमें कोई भी एसिड या कास्टिक का कोई भी ये ना मौजूद हो सेंट वगैरह, क्योंकि ये गंधक आप मरीजों के लिए भी दे सकते हैं। अगर इसको अच्छे से पानी से, गर्म पानी से 5-6 बार धो लेते हैं तो गंधक का तेज़ाब की तफसीत पूरी ख़त्म हो जाती है, गंधक एकदम अच्छी मिलती है। बाद में अगर इससे पहले हम इस गंधक को दूध के साथ बुझा हुए देके या क्रिया करते हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट आता है। आगे एक और वीडियो आने वाली है, वो अगला थोड़ा एक्सपेरिमेंट चेंज रहेगा, ऐसी ही गंधक उसमें भी बनेगी, थोड़ा चेंज रहेगा, लेकिन वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा, जल्दी आएगी वो भी। अभी ये मैंने गंधक इसको अलग कर ली है, पूरी गंधक मैं बाल्टी में से इसमें डाल के इसको सूखने के लिए निचोड़ के रख दूँगा। काफ़ी मेहनत है इस क्रिया में, उपले भी काफ़ी ज़्यादा लगते हैं और अगर पहली बार करेंगे तो फिर एक्सपेरिमेंट तो गंधक कम हाथ में लग सकती है, जैसे जैसे आपको अनुभव होते जाएगा तो आपको गंधक काफ़ी मिल जाएगी अच्छे से, क्योंकि गंधक कास्टिक में फंसी हुई रहती है तो वो फेंक देते हैं लोग। ठीक है, इसको मैं अच्छे से पानी से धो के 2-4 इसको सूखने के लिए धूप में रख दूंगा और बाद में इसको फिर अगली वीडियो में हम फास्फोरस का एक तेल बनाएंगे। वो लोग कास्टिक से बनाते हैं, वो तेल मेरे ख्याल से सही नहीं है, मैं दूसरी क्रिया से आपको बताऊंगा। ये गंधक तो काफ़ी अच्छी सफ़ेद एकदम अच्छी दिख रही है। अब ये गंधक यहाँ पर, यहाँ से भी आप उसका काम कुछ ले सकते तो ले सकते, ले दीजिए, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। मैं आगे एक ऑयल बताऊंगा जो फास्फोरस का रहेगा, तो ये इस तरह से ये धीरे धीरे हम एक लिक्विड में फास्फोरस को डालेंगे तो ये न्यूट्रल होती जाएगी। तो अगली वीडियो का आप वेट कीजिए, बहुत ही जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।